हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप आप सभी ठीक होंगे. आप सब घर में होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे. तो चलिए, आज का हम टॉपिक पहले देख लेते हैं कि क्या है. आज का हमारा टॉपिक है इंडियन डेब्ट मार्केट से रिलेटेड. इंडियन डेब्ट मार्केट यानी कि इंडिया में जो डिबेंचर्स का मार्केट है, जो बॉन्ड्स का मार्केट है, उससे रिलेटेड. जो हमारे स्टूडेंट्स बीकॉम में हैं, फाइनल ईयर में हैं, उनका एक सब्जेक्ट होता है इंस्टीट्यूट, एक जो होता है फाइनेंशियल मार्केट एंड इंस्टीट्यूशंस के बारे में, जिसमें आपको फाइनेंशियल मार्केट यानी कि मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट, ये सब चीज़ें क्या हैं उसके बारे में बताया जाता है. सो दिस इज द टॉपिक आज हम जो कवर करने वाले हैं. पहले मुझे ये थोड़ी सी लाइट को एडजस्ट करने दीजिए, फिर हम स्टार्ट करते हैं. चलिए, इंडियन डेब्ट मार्केट. सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि डिबेंचर होते क्या हैं. देखिए, डिबेंचर या बॉन्ड, इन दोनों में से जो भी नाम आप सुनो, ये दोनों नाम सेम होते हैं, चाहे वो डिबेंचर बोले जाए या फिर बॉन्ड्स बोले जाए. एक कंपनी है, दिस इज अ कंपनी. नॉर्मली इसको जब पैसे चाहिए होते हैं तो ये क्या करती है, आप सबने जो सुना होगा कि ये शेयर्स इशू कर देती है. एक शेयर इशू कर देती है जो मार्केट में लोग खरीदते हैं और कंपनी को पैसे देते हैं. मार्केट में लोग शेयर खरीदते हैं और कंपनी को पैसे देते हैं. इससे क्या हो जाता है, शेयर्स खरीदने से जो सामने वाली पार्टी है, लेट सपोज ये मैं हूँ, मेरे पास इस कंपनी के शेयर हैं, ठीक है, तो मैं कहूंगी बल्ले बल्ले, मेरे पास तो इस कंपनी के शेयर हैं, तो एक तरह से मैं इस कंपनी की ओनर हो गई. यानी मेरे भी कुछ हक है इस कंपनी में, मेरा भी हक है इसके जो डिसीजंस लिए जा रहे हैं उन सब में. तो ये चीज होती है शेयर्स में. लेकिन कोई अगर ऐसा व्यक्ति है जो ये नहीं चाहता कि मेरी कंपनी में बाहर के लोग आके अपना इंटरफेरेंस करें, चाहे वो शेयर होल्डर ही क्यों ना हो, ठीक है, नहीं चाहते कई लोग कि आके लोग डिसीजंस में अपनी टांग अड़ाए, क्योंकि इससे बहुत लंबा प्रोसेस हो जाता है. आपको कोई भी डिसीजन लेना होता है, आपको शेयर होल्डर की मीटिंग बुलानी पड़ेगी, ये वो फलाना ढिकाना, तो ये चीजें कुछ लोग नहीं चाहते. तो कुछ लोग क्या सोचते हैं कि ये जो शेयर खरीद रहा है, इसकी जगह काश कुछ ऐसा हो, काश कुछ ऐसा हो जो ये खरीदे, इसका इन्वेस्टमेंट का पर्पस भी पूरा हो जाए और मेरी कंपनी को पैसा भी मिल जाए. इसका इन्वेस्टमेंट का पर्पस भी पूरा हो जाए और मेरी कंपनी को पैसा भी मिल जाए. तो एक नई चीज आई जिसको बोला गया डिबेंचर. डिबेंचर यानी कि आप कंपनी को एक तरीके से लोन दे रहे हो. अब देखो, ये अकेला बंदा तो इतनी बड़ी कंपनी को लोन देगा नहीं, ऐसे हजारों लोग होंगे जो छोटे मोटे इन्वेस्टर होंगे, छोटे मोटे, जिनके पास 50-100 रुपए होंगे या 5 लाख 1 लाख रुपए तक की अमाउंट होगी, बट ये सारे लोग मिलके एक बहुत बड़ा अमाउंट बना देते हैं. तो इसीलिए कंपनी के पास एक नई चीज आई कि आप अपने डिबेंचर इशू कर दो, डिबेंचर इशू कर दो. डिबेंचर का मतलब है कि ये लोग आपको लोन दे रहे हैं जिसपे आपको हर साल या आधा साल या क्वार्टरली, जो भी आप डिसाइड करोगे उसके अकॉर्डिंग आप इनको इंटरेस्ट देते रहोगे. क्या देते रहोगे? इंटरेस्ट देते रहोगे. जिससे इनका क्या फायदा होगा कि इनकी रेगुलर इनकम हो जाएगी. पहली चीज, रेगुलर इनकम हो जाएगी अगर हम कंपेयर करें शेयर से, तो रेगुलर इनकम हो जाएगी. सेकेंड थिंग, ये सेफ होंगे. सेफ क्यों होंगे बच्चे? अगर आपने किसी फ्रेंड से पैसे लिए हैं तो आप कोशिश करोगे कि पहले आप उसके पैसे वापस करो, उधारी वापस करो, उसके बाद ही आपका बिजनेस में जो प्रॉफिट हुआ है वो आप अपने पार्टनर्स में बांटोगे या जितने भी लोग हैं उसमें बांटोगे. तो इसीलिए ये सेफ होता है, क्योंकि जैसे ही प्रॉफिट होता है कंपनी को, जैसे ही इनकम होती है, आपको इंटरेस्ट भी देना है और इनके जो डिबेंचर के पैसे हैं वो भी देने हैं. तो इसीलिए ये न्यू कॉन्सेप्ट आया था डिबेंचर एंड बॉन्ड्स का, जिसका मतलब होता है कि एक तरीके से आप कंपनी को पैसे उधार दे रहे हो, कंपनी आपसे पैसे ले रही है, बोरो कर रही है. तो आई होप इतना आपको समझ आया हो. गाइस, अगर आप चाहें तो आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं. अब हमारी आईडी इंस्टाग्राम पे भी है, जो कि आपको मिल जाएगी commerce_topper के नाम से. हमारा लोगो उस पर लगा हुआ है. अगर फिर भी आपको ना मिले तो आप कॉमेंट बॉक्स में मुझसे लिंक के लिए पूछ सकते हैं. तो चलिए, अब बात करते हैं, हमने डिबेंचर की बात कर ली. अब मैंने आपको बोला कि चाहे डिबेंचर लिखा हो या बॉन्ड लिखा हो, एक ही मतलब है. तो दो नाम की जरूरत क्यों पड़ी, दो नाम की जरूरत क्यों पड़ी, क्यों लेके आए? तो देखिए, जहां जहां बात की जाएगी डिबेंचर की, तो उसका मतलब होता है कि ये जो है किसी प्राइवेट कंपनी के द्वारा इशू किए गए हैं, किसी प्राइवेट कंपनी के द्वारा इशू किए गए हैं. वहीं अगर बॉन्ड्स की बात की जाएगी तो उसका मतलब है कि वो किसी गवर्नमेंट कंपनी ने, गवर्नमेंट एंटिटी ने या फिर पब्लिक कंपनी ने इशू किए हैं.
तो इसलिए इसका अलग अलग नाम है, ताकि ये इस आप समझ सको एक सुन के ही कि ये किसी प्राइवेट का और ये किसी गवर्नमेंट का है। ठीक है, अगर प्राइवेट कंपनी इशू कर रही है तो आप इसको डिबेंचर बोलोगे, और कोई पब्लिक कंपनी इशू कर रही है तो आप उसको बॉन्ड्स बोलोगे। चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम। सबसे पहले इसका थोड़ा सा पढ़ लेते हैं इसका कि ये कैसे शुरू हुआ। देखिए अब होता क्या है, एक कंपनी ने डिबेंचर इशू कर दिया, एक कंपनी ने डिबेंचर इशू कर दिया, मान लीजिए ये है ABC प्राइवेट लिमिटेड, इसने डिबेंचर इशू किया। अब इसने डिबेंचर कैसे इशू करेगा, देखो ये हो गया हमारा डिबेंचर, इस पे लिखा है 10% डिबेंचर, यानी ये जो 10% है ये इसका इंटरेस्ट का अमाउंट है, यानी ये डिबेंचर जो जो पर्सन लेगा, चलिए मान लीजिए हमने 1,00,000 रुपए का ये डिबेंचर ले लिया, तो मेरे पास 1,00,000 का डिबेंचर ये आ गए। अब इस 1,00,000 पे 10% का कैलकुलेशन होके मुझे जो मिलेगा वो होगा इंटरेस्ट। तो ये जो होता है ये आपका इंटरेस्ट का वैल्यू होता है, जिसको आप कूपन रेट भी कहते हो। क्या बोलते हो बच्चे? कूपन रेट। ठीक है, स्पेलिंग में बहुत ज्यादा मिस्टेक होगी तो आपको मैं पहले ही बता देती हूँ। तो इसको आप कूपन रेट भी कहते हो, जो होती है इसकी इंटरेस्ट रेट। तो अब ये इंटरेस्ट रेट, अब देखिए इतना तो आपको समझ आ गया कि हर साल कंपनी आपको इंटरेस्ट देगी, क्योंकि उन्होंने आपसे एज अ लोन ये अमाउंट ले रखा है। तो लोन लेते हैं तो इंटरेस्ट तो देना पड़ता है। अब बात आती है कि इसका जो प्रिंसिपल अमाउंट है, यानी कि ये जो 1,00,000 रुपए जो मैंने दिया था, जो दिया था इसका पार वैल्यू, ये मुझे वापस कब मिलेगा? ठीक है, लोन ऐसा तो है नहीं जन्म जन्मांतर तक चलता रहेगा, क्योंकि कंपनी तो कभी खत्म नहीं होने वाली, हम तो हो जाएंगे, कंपनी के क्या है, सेपरेट एंटिटी है, तो कंपनी तो कभी नहीं मरेगी। तो इसीलिए हर डिबेंचर पे आपको ये लिखा गया होता है कि इसकी मैच्योरिटी वैल्यू कितनी है, मैच्योरिटी पीरियड कितना है। मान लीजिए मैच्योरिटी पीरियड है 5 ईयर्स। ठीक है, 5 ईयर्स, तो यानी 5 साल तक आपको इंटरेस्ट मिलेगा, और जैसे ही मैच्योरिटी पीरियड खत्म हो जाएगा, 5 साल खत्म हो जाएंगे, वैसे ही आपको इस डिबेंचर की जो फेस वैल्यू आपने दी थी, ये जितने में खरीदा था 1,00,000, वो आपको मिल जाएंगे। ठीक है, FD आप करवाते हो उस पर भी आपको लिखा हुआ होता है मैच्योरिटी डेट क्या है, मैच्योरिटी टाइम क्या है, उसी तरह इसका ये मैच्योरिटी टाइम होता है। तो ये आपका जो मैच्योरिटी टाइम होता है, हम इसको एक और चीज बोलते हैं जो कि कहते हैं टेन्योर, कि ये इसका कितना मैच्योरिटी पीरियड है, एक कूपन रेट और एक टेन्योर। अब चलते हैं थोड़ा सा और बीच में। देखिए अब मैंने आपको बता दिया कि इसमें आपको इंटरेस्ट भी मिलता है और आपका प्रिंसिपल अमाउंट भी सेफ रहता है। तो इसीलिए एज अ इन्वेस्टर अगर आप देखो तो शेयर मार्केट क्या होता है, शेयर मार्केट आपके शेयर की वैल्यू उठती है गिरती है, वो बहुत ज्यादा ऊपर नीचे होती है। तो आपके अब मेरा जैसा कोई इंसान है या जिसकी इनकम बहुत कम है, उसको रेगुलर इनकम चाहिए, तो वो क्या करते हैं, डिबेंचर में करते हैं, डिबेंचर में इन्वेस्ट करते हैं। क्यों? क्योंकि ये सेफ इन्वेस्टमेंट है, सेफ इन्वेस्टमेंट है फॉर द इन्वेस्टर, एज द प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट पेबल इज मैंडेटरी। इसमें आपको इंटरेस्ट भी मैंडेटरी होता है और प्रिंसिपल पेमेंट भी मिलेगी, इन रिस्पेक्टिव ऑफ प्रॉफिट और लॉस टू द इश्यूअर। The cash flow from these instruments are quite predictable as the investor receives periodic interest normally payable on quarterly or semi-annually basis and principal payment at maturity. वही चीज देखिए, या तो आपको इंटरेस्ट मिलेगा आपका एनुअली, सेमी एनुअली या क्वार्टरली, और प्रिंसिपल पेमेंट आपको मिल जाएगी मेच्योरिटी में। अब देखिए, इन इंडिया बॉन्ड्स मार्केट टुक सेंटर स्टेज ड्यूरिंग 80s। इंडिया में कब ये बॉन्ड का मार्केट बहुत ज्यादा स्टैब्लिश हुआ था, वो हुआ था 80s में, यानी 1980s के टाइम पे, व्हेन PFC और MTNL एक्सेट्रा कुछ ऐसी कंपनी थी जिन्होंने ये कॉन्सेप्ट लेके आए थे, जो बॉन्ड्स लेके आए थे, जिन्होंने अपनी फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए बॉन्ड्स लेके आए थे कि हाँ हम एज अ लोन पब्लिक से पैसा ले रहे हैं, हम उनको अमाउंट इंटरेस्ट दे देंगे। तो इसीलिए ये कुछ कंपनी थी जिन्होंने सबसे पहले ये चीज की थी। उसके बाद 1992 में क्या हुआ था बच्चे, IDBI आया था, IDBI आया था एक न्यू कॉन्सेप्ट के साथ, और वो न्यू कॉन्सेप्ट क्या था, वो था डीप डिस्काउंट बॉन्ड का। अभी हम टाइप ऑफ डिबेंचर्स में आपको वो अच्छे से बताएंगे डीप डिस्काउंट बॉन्ड होता क्या है। तो डीप डिस्काउंट बॉन्ड IDBI लेके आया, जो कि बहुत ज्यादा पॉपुलर हुआ है, बहुत ज्यादा लोगों ने पसंद किया। ठीक है, क्यों किया वो भी आपको आगे पता चलेगा। अब IDBI एक बैंक से रिलेटेड थी, तो उसी के देखरेख में ICICI,
IFCI ये लोग भी सिमिलर काइंड के बॉन्ड्स लेके आए जो कि डीप डिस्काउंट बॉन्ड सिमिलर थे। उसके बाद इन्वेस्टर हैज द ऑप्शन टू इन्वेस्टिंग इन द बॉन्ड अदर डायरेक्टली बाय सब्सक्राइबिंग टू दीज बॉन्ड्स और बाय चूजिंग एन इनडायरेक्ट रूट। देखिए जब भी आपको कोई चीज करनी होती है आप ऑब्वियसली दो तरीके से करते हो, या तो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट। आप सबने म्यूचुअल फंड का कॉन्सेप्ट सुना होगा, ठीक है, आपको भले ही पता ना हो बट आपने जरूर सुना होगा म्यूचुअल फंड के बारे में टीवी पे या कहीं भी। अब देखिए म्यूचुअल फंड का ना मैं आपको बहुत ही छोटी सी चीज बता देती हूँ, अभी हम इसका भी चैप्टर करेंगे फ्यूचर में तो उसको आपको अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। म्यूचुअल फंड में क्या होता है बच्चे, हम ना इसमें यूनिट्स ले लेते हैं। हम एक कंपनी के पास जाते हैं, ठीक है, जो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करती है, उसको जाके हम कहते हैं भैया मेरे पास ना सौ रुपए हैं, अब मुझे ना म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है। ये करती क्या है कंपनी, ये हम जैसे छोटे छोटे इन्वेस्टर्स से थोड़ा थोड़ा अमाउंट कलेक्ट कर लेती है और फिर इसको बड़े बड़े अमाउंट में इन्वेस्ट कर देती है आगे बड़ी बड़ी कंपनी में। मान लीजिए ये रिलायंस हो गया, ITC हो गई या अदर कोई कंपनी हो गई, XYZ, ठीक है, कोई भी बड़ी बड़ी कंपनीज हो गई। अब ये इन्वेस्ट कैसे करती है, ये पर्सन से पूछती है कि भैया देखो आप रिस्क कितना लोगे, ठीक है, आपको इन्वेस्ट किस में करना है, शेयर्स में करना है, डिबेंचर्स में करना है। अगर आपको रेगुलर इनकम चाहिए तो आप डिबेंचर में करो, अगर आप रिस्क लेना चाहते हो तो आप इसको शेयर्स में करो। होता क्या है, होता यही है इन्वेस्टमेंट आपकी जाती शेयर्स में और डिबेंचर्स में ही है, बट आप इसको यूनिट्स में ले लेते हो, उसकी यूनिट ले लेते हो, 3-4 शेयर के जो यूनिट्स बनते हैं उसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। तो ये म्यूचुअल फंड्स कहते हैं, म्यूचुअल फंड्स यानी कई लोगों का म्यूचुअली करके फंड बना देना, ठीक है। तो अब इसका मतलब क्या है, या तो आप कंपनी से डायरेक्ट डिबेंचर्स ले रहे हो, या मार्केट में जो डिबेंचर बेच रहा है कोई पर्सन उससे आपने डिबेंचर ले लिया, या फिर आपने म्यूचुअल फंड के थ्रू, ठीक है, म्यूचुअल फंड के थ्रू आपने डिबेंचर में इन्वेस्टमेंट कर दी। तो ये दोनों तरीके हैं, यहाँ पे आप डायरेक्ट कर रहे हो, यहाँ आप म्यूचुअल फंड की आड़ में इस डिबेंचर्स को परचेस कर रहे हो। और जब आप ऐसे म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करके डिबेंचर्स में इन्वेस्ट करते हो तो उसको बोलते हैं इनकम फंड्स, ठीक है, ये कहलाते हैं इनकम फंड, जहां आपका पैसा ज्यादातर डिबेंचर्स में लगाया जाता है। क्यों, क्योंकि इससे जो आने वाली इनकम होती है वो आपकी पता होती है आपको मिलेगी ही मिलेगी, उसमें कुछ नहीं जाएगा, ठीक है। चलिए यही लास्ट पॉइंट था जो मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किया है, एक बार पढ़ लेते हैं। इन्वेस्टर हैज द ऑप्शन ऑफ इन्वेस्टिंग इन द बॉन्ड्स इधर डायरेक्टली, या तो डायरेक्टली बाय सब्सक्राइबिंग टू दीज बॉन्ड्स और बाय चूजिंग एन इनडायरेक्ट रूट ऑफ बाइंग द यूनिट्स ऑफ म्यूचुअल फंड विच इन टर्न इन्वेस्ट इन दीज बॉन्ड्स, जो क्या करता है आगे जाके इन बॉन्ड्स में ही इन्वेस्ट करता है। दीज म्यूचुअल फंड्स आर नोन एज इनकम फंड्स। नाउ द नेक्स्ट वन, अभी बात करेंगे टाइप ऑफ डेप्ट इंस्ट्रूमेंट्स की। जो बच्चे बीकॉम के हैं, डीयू के हैं, मैं डीयू से पढ़ी हूँ इसलिए मैं आपको बता सकती हूँ कि कौन कौन से सब्जेक्ट्स में आपकी कितनी वेटेज बन सकती है। तो इस क्वेश्चन, इस चैप्टर में जो आपका है वो एक क्वेश्चन जरूर बन सकता है, डिबेंचर के बारे में बताइए और टाइप ऑफ डिबेंचर इंस्ट्रूमेंट एक्सप्लेन कीजिए। तो इसलिए ये क्वेश्चन आपका 8 मार्क्स का जरूर जरूर बन सकता है, तो इसलिए इसको आप जरूर एक बार पढ़ लीजिएगा। अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट इसका शुरू होता है टाइप ऑफ डेप्ट इंस्ट्रूमेंट्स, ठीक है। डेप्ट इंस्ट्रूमेंट्स के कितने टाइप होते हैं, सबसे पहला जो यहाँ पे है वो हमने नॉर्मली एक्सप्लेन किया है, गवर्नमेंट एंड कॉर्पोरेट डेप्ट इंस्ट्रूमेंट। ये अभी हमने डिस्कस किया था, जब गवर्नमेंट डेप्ट इंस्ट्रूमेंट्स डालती है तो हम उसको क्या कहते हैं, हम उसको कहते हैं बॉन्ड्स, और जब पब्लिक प्राइवेट सेक्टर इसको करती है तब हम इसको कहते हैं डिबेंचर। व्हेन द डेट सिक्योरिटी आर इश्यूड बाय गवर्नमेंट और पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग दे आर नोन एज बॉन्ड्स, एंड व्हेन द डेट सिक्योरिटी आर इश्यू बाय प्राइवेट सेक्टर कंपनी दे आर कॉल्ड डिबेंचर्स। नेक्स्ट वन है आपका फिक्स्ड कूपन, फ्लोटिंग कूपन एंड जीरो कूपन बॉन्ड्स। देखिए फिक्स्ड कूपन क्या होते हैं, अभी मैंने आपको बताया था कि ये आपके हैं बॉन्ड्स, ये आपके हैं बॉन्ड्स, या चलिए इस पे आपको लिखा हुआ मिलेगा 10% डिबेंचर। तो ये आपका फिक्स्ड रेट है, यानी कि 5 साल तक आपको इसी रेट पे जो है वो इंटरेस्ट मिलेगा, यही आपका कूपन रेट सेम रहेगा फॉर द 5 ईयर, अगर आपका ये मैच्योरिटी 5 ईयर तक का है। वहीं फ्लोटिंग कूपन क्या होता है, फ्लोटिंग कूपन होता है एक बेस रेट होता है प्लस उसके अलावा एक अमाउंट इसमें इंक्लूड होता है, वो अभी हम
आपको आगे के पॉइंट में यहाँ पे कराएंगे फ्लोटिंग रेट में, ठीक है। नेक्स्ट जीरो कूपन बॉन्ड। जीरो कूपन बॉन्ड्स क्या होते हैं? जीरो कूपन बॉन्ड्स बचे होते हैं, देखिए मैंने ये 1 लाख का मेरा ये प्राइस था इस डिबेंचर का, मैंने मार्केट में बोला कि भाई देखो तुम ना मेरे से ये 80,000 में ले लो, 80,000 में। किस में ले लो? 80,000 में। आपको तो मजे आ गए, आप तो कह रहे हो कि भाई 1 लाख का है, 80,000 में ले लेते हैं, इंटरेस्ट भी मिलेगा और मेच्योरिटी पे फिर मेरे को ये वैल्यू भी मिल जाएगी। तो ऐसा नहीं है। जीरो कूपन बॉन्ड में क्या होता है, कंपनी अपने डिबेंचर इशू करती है, बॉन्ड्स इशू करती है लोअर पे, यानी कि डिस्काउंट पे, पार वैल्यू से कम पे, यानी डिस्काउंट पे। अब ये डिस्काउंट पे इसने इशू कर दिया, लेकिन जब ये उसको मैच्योरिटी पीरियड हो जाएगी और रिडीम करेगा, तो ये रिडीम किस पे होगा? रिडीम होगा इसकी पार वैल्यू पे। अब आप कह रहे हो कि चलो ठीक है कोई बात नहीं, क्या लॉस है? लॉस ये है कि आपको इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, आपको कोई इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, आपने डिस्काउंट पे खरीदा और पार पे बेच दोगे, बस ये होता है आपका जीरो कूपन बॉन्ड, ठीक है। देखिए, अ फिक्स्ड रेट बॉन्ड इज अ टाइप ऑफ डिबेंचर इंस्ट्रूमेंट बॉन्ड्स विद अ फिक्स्ड कूपन रेट, ठीक है, फिक्स्ड कूपन रेट होता है इसमें। ड्यू टू फिक्स्ड कूपन द मार्केट वैल्यू ऑफ अ फिक्स्ड रेट बॉन्ड इज सब्सक्रिप्टेड टू फ्लक्चुएशन इन इंटरेस्ट रेट एंड देयरफॉर हैज अ सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट रेट रिस्क। इसमें आपका रिस्क भी चेंज नहीं होता क्योंकि सेम इंटरेस्ट में आपको मिलने वाला है। फ्लोटिंग रेट नोट्स आर बॉन्ड्स, दे हैव वेरिएबल कूपन। देखिए इसमें आपका जो रेट होता है वो वेरिएबल होता है, चेंज होता रहता है, इक्वल टू मनी मार्केट रेफरेंस रेट। जैसे जैसे आपका मनी मार्केट का जो रेफरेंस रेट होती है SLR चेंज होती है, वैसे वैसे ये आपका भी चेंज होता रहेगा, ठीक है। इन केस ऑफ जीरो कूपन बॉन्ड्स नो इंटरेस्ट रेट पेड ड्यूरिंग द टेनर, दे आर इशूड एट डिस्काउंट एंड रिडीम एट पार। अब एक आता है फुल्ली कन्वर्टेबल, पार्शली कन्वर्टेबल और नॉन कन्वर्टेबल। कुछ कंपनी कहती हैं कि भैया तुम हमारे 10% के डिबेंचर ले लो आज, ठीक है आज ले लो, 2 साल बाद, 2 years के बाद हम क्या करेंगे, हम तुम्हारे ये डिबेंचर्स की जो वैल्यू होगी उसके हम तुम्हें शेयर्स दे देंगे, शेयर्स दे देंगे। तो ये हो गया फुल्ली कन्वर्टेबल, यानी आज आप जितने के डिबेंचर ले रहे हो 2 साल 3 साल बाद, एक टाइम पीरियड के बाद, मैच्योरिटी टाइम पीरियड पे आपके सारे अमाउंट के आपको शेयर मिल जाएंगे। क्या मिल जाएंगे? सारे अमाउंट के शेयर मिल जाएंगे। तो ये हो गया फुल्ली कन्वर्टेबल। एक हो गया कि आप इसका आधा जो अमाउंट है, मान लीजिए 1 लाख है, तो 50,000 रुपए आप ले लेना, कैश ले लेना हमसे, जो भी आपका रिडम्पशन बनता है, और बाकी का हाफ अमाउंट बचा या कुछ अमाउंट बचा, जरूरी नहीं है हाफ, 20-30% भी हो सकता है, उसके आप हमसे शेयर ले लीजिए। तो ये हो गया पार्शली कन्वर्टेबल। और जब आपके पास ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है कि आप इसको कन्वर्ट करो, तो वो होता है आपका नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर, ठीक है। ऐसे डिबेंचर जो आप शेयर्स में कन्वर्ट कर सकते हो, ऑप्शन है आपके पास शेयर्स में कन्वर्ट करने का, पार्शली कन्वर्टेबल। ऐसे डिबेंचर्स जिनका हाफ अमाउंट आप कर सकते हो, कुछ पार्ट अमाउंट आप कर सकते हो, दैट इज कॉल्ड योर पार्शली कन्वर्टेबल डिबेंचर। एंड व्हेन यू हैव नो ऑप्शन ऑफ कन्वर्टिंग योर डिबेंचर्स इनटू शेयर्स, देन इट इज कॉल्ड योर नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स। तो ये आप यहाँ पे पढ़ सकते हो। अब बात करते हैं कॉर्पोरेट में नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स या बॉन्ड्स किस किस तरीके के हमारे इंडिया में हैं, क्या किस किस तरीके से बॉन्ड्स हमारे इंडिया में हैं। तो देखिए पहले आती है सिक्योर्ड एंड अनसिक्योर्ड। अब सबको पता है जब आप लोन लेने जाते हो, बैंक में लोन लेने जाओगे, वहां पे ना ही हमारे मामा जी बैठे हैं ना ही आपके बैठे हैं, तो वो सबसे पहले क्या मांगेंगे, वो कहेंगे भैया सिक्योरिटी क्या है आपके पास, सिक्योरिटी क्या है आपके पास। आप अंबानी तो हो नहीं कि हम आपके शक्ल देख के आपको पैसे दे दें, नहीं, हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए सिक्योरिटी, क्योंकि हम आपको नहीं जानते हैं और हमें नहीं पता कि कल को आप हमारे पैसे देने लायक हो भी या आपके पास 0 रुपए हैं। तो क्या मांगते हैं, सिक्योरिटी। उसी तरीके से अगर मैं किसी कंपनी को लोन दूंगी, तो मैं भी तो चाहूंगी ना कि उस कंपनी के पास कुछ चीज रखी हो या उस कंपनी के पास कुछ हो ऐसा कि वो कल को मेरा लोन दे सके। अगर कल को कंपनी को कुछ होता है, खराब होती है या उसमें पैसे कम हो जाते हैं, तो ऐसा कुछ हो कि कंपनी पहले हमारा अमाउंट दे उस एसेट को बेच के, ठीक है। तो जब डिबेंचर इशू किए जाते हैं और इशू करने के टाइम कोई एसेट को उसके अगेंस्ट एज अ कोलैटरल सिक्योरिटी रखा जाता है, तो उसको कहा जाता है सिक्योर्ड
बॉन्ड्स, पर कुछ सिचुएशन ऐसी होती है जहां पे एसेट नहीं रखा जाता, नहीं रखा जाता, या ये कह लीजिए जब एसेट नहीं रखा जाता तो हम कहते हैं अनसिक्योर्ड बॉन्ड्स। अब आप कहोगे भाई क्यों नहीं रखा गया, है ना, सिक्योर्ड में रखा है तो अनसिक्योर्ड में क्यों नहीं रखा। सिक्योर्ड में रखा गया क्योंकि ये लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए थे। लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए जब भी आप डिबेंचर इशू कर रहे हो तो जरूरी हो जाता है कि आपको कोलेटरल सिक्योरिटी रखनी है। लेकिन अगर 15 या 18 महीने से कम, मान लीजिए 18 महीने हैं, 18 महीने से कम अगर आपका मैच्योरिटी पीरियड है, 18 महीने से कम अगर आपका मैच्योरिटी पीरियड है, तो उस सिचुएशन में आपको कोई ज्यादा मैंडेटरी नहीं होता कि आप कोलेटरल सिक्योरिटी रखो। सिक्योर्ड बॉन्ड्स आर बैक्ड बाय सम कोलेटरली कोलेट्रल, नॉर्मली द फिक्स्ड एसेट ऑफ द इश्यूअर कंपनी। क्या होते हैं ये फिक्स्ड एसेट होते हैं कंपनी के, वही आप रखते हो। शॉर्ट टर्म बॉन्ड्स हैविंग मैच्योरिटी ऑफ लेस देन 18 मंथ्स आर नॉर्मली इश्यूड विदाउट एनी कोलेट्रल अगेंस्ट देम एंड आर देयरफॉर कॉल्ड अनसिक्योर्ड बॉन्ड। सिक्योर्ड बिकॉज वहां पे आपके पास सिक्योरिटी होती है अगेंस्ट में, और अनसिक्योर्ड बिकॉज यू डोंट हैव एनी सिक्योरिटी अगेंस्ट इट। नेक्स्ट वन इज रिडीमेबल एंड इनरिडीमेबल डिबेंचर। अब देखो कुछ कंपनी क्या करती है ना, वो अपने जो डिबेंचर है 10% डिबेंचर, इसी में लिख दिया कि हमारा जो रिडीमेबल टाइम है वो है 5 years। तो ये तो आपका हो गया रिडीमेबल डिबेंचर्स, जहां पे डिबेंचर्स एंड बॉन्ड्स आर रिडीम एट द नॉमिनल वैल्यू एट मैच्योरिटी, दे आर कॉल्ड रिडीमेबल डेब्ट इंस्ट्रूमेंट। पर कुछ सिचुएशन में आप ऐसे भी डिबेंचर्स इशू कर देते हो जहां आपके कुछ स्पेसिफाई नहीं करते कि रिडेम्पशन वैल्यू कितनी होगी या रिडेम्पशन डेट क्या होगी, तो उस सिचुएशन में उसको कहते हैं इनरिडीमेबल डिबेंचर्स। तो ये कौन से होते हैं, ये वो डिबेंचर्स होते हैं विच आर नॉट रिपेबल एट द एंड ऑफ अ डिफिनिट पीरियड। और ये कब आपके मोस्टली रिपे किए जाएंगे, जब कंपनी लिक्विडेशन में जाएगी तब, ठीक है। उससे पहले आप बेचना चाहो तो बेच सकते हो, नहीं बेचना चाहे तो दैट इज अप टू यू। नेक्स्ट इज टी बिल्स। आपने सुना होगा टी बिल, जिसको हम कहते हैं ट्रेजरी बिल्स, ठीक है, टी बिल्स। अब ये क्या होते हैं, देखिए कई बार क्या होता है ना, गवर्नमेंट को शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए पैसा चाहिए होता है, गवर्नमेंट को चाहिए होता है, बात ध्यान दीजिएगा, गवर्नमेंट को कई बार शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए पैसा चाहिए होता है, तो उसके लिए ये जाती है आरबीआई के पास। आरबीआई क्या है, गवर्नमेंट का बैंक, तो आरबीआई के पास जाती है कि पापा 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 हमको चाहिए पैसा, ठीक है, हमें अपने क्या करनी है, शॉर्ट टर्म पीरियड के जो कुछ कमी आ रही है पैसे की, तो हमें वो पूरी करनी है। अब ये आरबीआई क्या करती है, ये जाती है मार्केट में, आरबीआई जाती है मार्केट में, बोलती है टी बिल ले लो, टी बिल ले लो, टी बिल ले लो, टी बिल। अब ये टी बिल बेचती है, टी बिल बेचती कैसे है, ये नहीं कहती कि 10 रुपए के टी बिल ले लो 10 रुपए के, नहीं, ये करती है ऑक्शन। ये क्या करती है बच्चे, ये करती है ऑक्शन। अब देखो पहली बात, टी बिल कौन इशू करता है, आरबीआई करती है ऑन द बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है, गवर्नमेंट के लिए करती है और आरबीआई करती है। दूसरी चीज, टाइम पीरियड क्या होता है, इसका टाइम पीरियड हमेशा 1 साल से कम होता है, लेस देन 1 ईयर। क्यों, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए किए जाते हैं, शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए किए जाते हैं, तो मतलब हुआ कि 1 साल से कम के लिए ही किए जा रहे हैं। अब ये क्या होते हैं, देखो इसके लिए ना 3 डेट होगी, 3 डेट होती है, एक आपके पास होता है 91 डेज, ठीक है, 91 डेज, एक आपके पास होता है 182 डेज, और एक होता है आपके पास 364 डेज। यानी कि आरबीआई कहेगी 91 डे का टी बिल ले लो, 91 दिन के बाद तुम्हें तुम्हारा इंटरेस्ट और जो भी अमाउंट है तुम्हारा बनता है वो मिल जाएगा। एक होती है 182 डेज के लिए कि मैच्योरिटी वैल्यू उसका 182 है, सो मैच्योरिटी डेट 182 है, और एक का मैच्योरिटी डेट है 364 डेज का। तो ये जो है ना, ये सारे हैं इसके मैच्योरिटी डेट। तो आरबीआई कहती है कि ले लो टी बिल ले लो, 91 दिन का ले लो, 182 दिन का ले लो, या 364 दिन का ले लो। अब देखिए ऑक्शन होता है, कैसे होता है ऑक्शन, जो होता है वो बच्चे ये होता है, टी बिल के लिए जो ऑक्शन होता है, टी बिल के लिए जो ऑक्शन होता है वो होता है हर वेडनेसडे को, ठीक है, हर वेडनेसडे को। पर हर वेडनेसडे को ये 91 डे का करते हैं, 91 डे वाले जो टी बिल होते हैं वो हर वेडनेसडे को करते हैं। लेकिन एक जो ये 182 और 364 है, इसके लिए जो ऑक्शन होता है वो होता है ऑल्टरनेटिव वेडनेसडे पे, यानी एक वेडनेसडे छोड़ के दूसरे वेडनेसडे पे।
ठीक है, आई होप इतना समझ आया हो। शॉर्ट टर्म डिबेंचर्स होते हैं इंस्ट्रूमेंट इशूड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, लेस देन 1 ईयर मेच्योरिटी, इशू बाय आरबीआई ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। कौन करता है? आरबीआई इशू करती है ऑन द बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। आगे देखते हैं, मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, जब हम ये चैप्टर करेंगे मनी मार्केट कैपिटल मार्केट तब आपको अच्छे से समझ आएगा, बट अभी के लिए इतना आप देख लीजिए। मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, मैच्योरिटी आपकी 91 डेज, 182 डेज, 364 डेज की होती है। ऑक्शन किया जाता है टी बिल को इश्यू करने के लिए, जो कि आरबीआई करती है एवरी वेडनेसडे। ऑक्शन फॉर टी बिल फॉर 182 एंड 364 डेज जो आपका होता है वो अल्टरनेटिव वेडनेसडे के होता है। जीरो कूपन डिबेंचर इंस्ट्रूमेंट, अब देखो जीरो कूपन डिबेंचर इंस्ट्रूमेंट मतलब ये इश्यू आपके जो होते हैं वो होते हैं आपके डिस्काउंट पे, इंटरेस्ट नहीं मिलता। जीरो कूपन डिबेंचर अभी हमने किया था कि आपको इंटरेस्ट नहीं मिलता, ये आपको मिलेंगे डिस्काउंट पे सॉरी, और रिडीम हो जाएंगे एक्चुअल वैल्यू पे। ऑब्वियसली जहां आपके 91 डेज या 182 डेज है तो उसमें क्या आपको इंटरेस्ट मिलेगा, यही सही। नेक्स्ट वन इज कैश मैनेजमेंट बिल्स, कैश मैनेजमेंट बिल्स। अब देखिए ये भी सिमिलर होते हैं थोड़े बहुत टी बिल के, बट इसका जो अमाउंट होता है वो देखते हैं क्या कुछ होता है। इशू बाय आरबीआई ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये भी आरबीआई इशू करती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बिहाफ पे। Issue with the purpose of filling the temporary mismatch in the cash flow of the government. आपको भी पता है जब आप कोई कंपनी स्टार्ट करते हो तो कुछ ना कुछ आपको भी पैसे की जरूरत पड़ती है थोड़े दिनों के लिए, 10-15 दिनों के लिए, कि भाई आगे से मेरा चेक आने वाला था वो रुक गया तो अभी आगे मैं कहाँ से पेमेंट करूँ। तो इसी तरह गवर्नमेंट के भी सिचुएशंस आती हैं जहां उनको थोड़े से टाइम पीरियड के लिए अमाउंट चाहिए होता है, जो उनका मिसमैच हो रहा है उसको फुल करने के लिए। तो इसलिए ये मैच्योरिटी जो होती है ये होती है 91 डेज से भी कम, क्या होती है 91 डेज से भी कम। अब ये इश्यू होता है एट डिस्काउंट और रिडीम होता है एट पार, सेम जीरो कूपन बॉन्ड की तरह। और ये सबसे पहले कब इश्यू हुआ था, ये हुआ था 12 मई 2010 में सबसे पहले इश्यू हुआ था। तो ये हुआ आपका कैश मैनेजमेंट बिल्स। अब देखिए डेटेड गवर्नमेंट सिक्योरिटी, नेक्स्ट वन इज डेटेड गवर्नमेंट सिक्योरिटी। अब गवर्नमेंट को जरूरी थोड़ी ना हर जब सिर्फ थोड़े थोड़े दिनों के लिए पैसे चाहिए, लॉन्ग टर्म के लिए भी चाहिए हो सकते हैं। तो जब लॉन्ग टर्म गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के लिए चाहिए होती है या लॉन्ग टर्म गवर्नमेंट को सिक्योरिटी चाहिए होती है तब वो इशू करते हैं डेटेड गवर्नमेंट सिक्योरिटी। इसका जो टाइम पीरियड होता है या तो 5 साल होता है या 10 साल होता है, ठीक है, या तो 5 साल होता है या 10 साल होता है। इशू बाय आरबीआई थ्रू द प्रोसेस ऑफ ऑक्शन, ये भी आरबीआई ही करती है, इशू करती है थ्रू द प्रोसेस ऑफ ऑक्शन। अब इसका ऑक्शन कैसे होता है, देखिए यहाँ तो हमने देखा था हर वेडनेसडे होता है, लेकिन जब डेटेड गवर्नमेंट सिक्योरिटी होती है तो उससे पहले क्या करती है, आरबीआई अपना नोटिफिकेशन देती है, आपके न्यूज़पेपर में भी आते होंगे कई बार, ठीक है, कई दिन पहले से नोटिफिकेशन देती है कि इसका ऑक्शन होने वाला है ताकि काफी लोग उसमें आ सकें। कैरी फिक्स्ड कूपन रेट, फिक्स्ड कूपन रेट होता है और फ्लोटिंग भी हो सकता है। नेक्स्ट वन इज फिक्स्ड रेट बॉन्ड्स, अभी हमने किया था जिसका रेट फिक्स्ड रहता है फॉर द मैच्योरिटी पीरियड तक का। फ्लोटिंग रेट में देखिए बॉन्ड्स ऑन विच कूपन इज एक्सप्रेस्ड एज बेस रेट, बेस रेट आपका सेम रहेगा प्लस स्प्रेड, स्प्रेड यानी जैसे जैसे मार्केट में आपके जो चेंजेस आने वाले हैं उसके अकॉर्डिंग इसका अमाउंट चेंज होता है। दिस बेस रेट इज रीसेट पीरियोडिकली, पीरियडिकली इसका जो होता है ये चेंज होता है, वेयर द रीसेट पीरियड में भी 3 महीने में रीसेट किया जाए या 6 महीने में। दिस बेस रेट में भी वेटेड एवरेज कट ऑफ यील्ड ऑफ द लास्ट 364 डेज, ट्रेजरी बिल्स और सम अदर रेट्स एज डिसाइड बाय द आरबीआई। नेक्स्ट वन जीरो कूपन बॉन्ड्स, अभी आपको बताया जिसमें आपको इंटरेस्ट नहीं मिलता लेकिन आपको क्या होता है डिस्काउंट में ये इश्यू मिलते हैं, डिस्काउंट में आप खरीद सकते हो और पार वैल्यू पे आप बेच सकते हो, यानी मैच्योरिटी आपकी हो सकती है। डू नॉट ऑफर एनी कूपन टू इट्स इन्वेस्टर, इशूड एट डिस्काउंट एट देयर फेस वैल्यू एंड दे आर रिडीम एट मैच्योरिटी एट देयर फेस वैल्यू। नेक्स्ट वन बॉन्ड्स विद कॉल और पुट ऑप्शन। अब बॉन्ड्स विद कॉल और पुट ऑप्शन का मतलब क्या है, देखिए कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन में क्या होता है, कॉल यानी कि बुलाना और पुट यानी कि उसको पुट करना रखना। अब देखिए कई बार होता है गवर्नमेंट इशू करती है अपने बॉन्ड्स इशू करती है या कोई भी कंपनी इशू कर रही है तो उसको बाय बैक करने के लिए
बायबैक करने के लिए मैच्योरिटी पीरियड से पहले ही आप बुला सकते हो। मान लीजिए आपने कहा था 5 साल की मैच्योरिटी पीरियड है, 5 साल बाद ही हम इसको बायबैक करेंगे यानी रिडीम करेंगे। लेकिन रिडीम करने से पहले अगर आप 3 साल बाद ही आप जाके बोलते हो कि ये मुझे वापस दे दो, ठीक है, ये मुझे अपने डिबेंचर्स वापस दे दो, मैं आपको पैसे दे देता हूँ, तो वो होते हैं आपके बॉन्ड्स विद कॉल ऑप्शन, तभी आप उसको मैच्योरिटी पीरियड से पहले वापस बायबैक कर सकते हो। उसी तरह ये तो हुआ बायबैक करना, यानी कंपनी बुला रही है कि मुझे दे दो कॉल ऑप्शन। वहीं अगर मैं एज अ इन्वेस्टर अगर चाहूँ कि मैच्योरिटी पीरियड से पहले ही आपको वापस थमा के, यानी कंपनी को गवर्नमेंट को थमा के निकल जाऊं, तो दैट इज योर बॉन्ड्स विद पुट ऑप्शन, यानी उसमें ऐसा ऑप्शन अवेलेबल है। Now, bonds which are issued by government with an option to buy back, ठीक है, ऑप्शन है, पहले से decided है to buy back the bonds by the government of India prior to their maturity, maturity से पहले, in case the general interest rate happen to go down a specified level are known as callable bonds, ठीक है, तो वो होता है callable bonds। अब लोग क्यों करते हैं, obviously जैसे जैसे इसका जो interest rate या market में इसकी value का ऊपर नीचे होता है, तभी लोग सोचते हैं कि नहीं मैं इसको buy back कर लेता हूँ या फिर मैं इसको वापस कर देती हूँ। Bonds with put option are the bonds which gives the investor the right to sell back the bonds to government at face value prior to their maturity in case market interest rate rise above a specific level, ठीक है। नेक्स्ट वन इज ग्रीन बॉन्ड्स। ग्रीन बॉन्ड्स यानी कि आप सबने सुना होगा, ग्रीन मार्केटिंग के नाम सुने होंगे, ग्रीन इन्वायरमेंट से रिलेटेड अगर कुछ चीजें हो रही हैं, ठीक है, अगर कोई ऐसी कंपनी है जो इन्वायरमेंट से रिलेटेड ही सारा खर्चा कर रही है, या फिर उसको पैसा चाहिए ताकि जो पैसे उससे रेज हो वो गवर्नमेंट के ग्रीन प्रोजेक्ट्स में लगा सके, जैसे एनर्जी में हो गया या और कोई चीजें हो गई जितने भी ग्रीन प्रोजेक्ट्स होते हैं, तो उसके लिए जो वो बॉन्ड्स इश्यू करते हैं जिनका मेन पर्पस ग्रीन प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करना होता है या ग्रीन प्रोजेक्ट्स में पैसा खर्च करना होता है, उसको हम कहते हैं ग्रीन बॉन्ड्स। ग्रीन बॉन्ड्स आर बॉन्ड्स वेयर द फंड्स रेज्ड एंड यूज्ड एक्सक्लूसिवली टू फंड न्यू एंड और एक्जिस्टिंग ग्रीन प्रोजेक्ट, या तो न्यू प्रोजेक्ट भी हो सकता है या ऑलरेडी जो मार्केट में प्रोजेक्ट चल रहे हैं उसको फंड करने के लिए, सच एज रिन्यूएबल एनर्जी या फिर वेंचर्स, क्लीन ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम एक्सेट्रा। तो ये था आपका डेब्ट मार्केट के बारे में, इंडियन डेब्ट मार्केट के बारे में, और साथ ही साथ आपके टाइप ऑफ डिबेंचर्स एंड डेब्ट इंस्ट्रूमेंट्स। आई होप आपको चैप्टर समझ आया हो, आई होप आपको कुछ सीखने को मिला हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नाउ यू गाइस कैन फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम टू, आपको पहले भी मैंने बताया है, commerce_topper के नाम से आपको मिल सकता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ध्यान रखिएगा, स्टे होम स्टे हेल्दी।